दो ट्रक हैं, एक ट्रक उसके पीछे जाके लग गया। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला ही चाहिए है। अल्बर्टा, सस्केचेवन और मैनिटोबा में आज विंड स्टॉर्म है। अभी मेरे को कंपनी की कॉल आ गई, मैंने जाना था हरियाणा से एडमिंटन। कंपनी बोलती है कि हमने आगे मेल कर दी है कि आज रात को वेदर सही नहीं है, और वेदर सही होने की वजह से, सही ना होने की वजह से हम लोगों ने जितने भी लोड उठाने हैं अभी सुबह उठाएंगे, रात को कोई भी बंदा लोड नहीं उठाएगा। बहुत ही अप्रिशिएट करने वाला ये एक स्टेप होता है। बहुत सारे ड्राइवर भाई हैं अपने जो रोड के ऊपर चल रहे हैं, रुकने का टाइम नहीं है क्योंकि हवा की जो स्पीड है, विंड गस्ट है। अभी मैं थोड़ा आगे जाके रुकूंगा, एक बार छोटा सा रुकूंगा, उसी टाइम निकलना है। मेरे को वॉशरूम आया हुआ है, 100 किलोमीटर बाकी यहाँ से है इंडियन हेड। तो मैंने अपना एम रखा हुआ है कि इंडियन हेड तक पहुंचते, वहां जाके हालात देखेंगे, अगर हालात सही हुई आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर वही सो जाएंगे। तो मैं अपना पूरा सामान वामान लेके ही आया हूँ, खाने का चूल्हा है अपने पास में, कंबल है, एक्स्ट्रा फूड है। जैसे मैंने पहले भी आपको बहुत बार बोला है, हालात जब नाजुक हो रही होगी ना, तो अपने आप को, अपने सिस्टम को पहले से ही प्रिपेयर रखना पड़ता है कि भाई कुछ भी हो सकता है। गैस है 2 दिन के लिए, 4 दिन भी लग सकते, ज्यादा देर तक दोनों हाथ सिरिंज से उठा नहीं सकते। वैसे तो मेरी आदत है एक ही हाथ से सिरिंज पकड़ता हूँ, एक हाथ मेरा यहाँ पे होता है, यहाँ पे ऐसे आदत पड़ी हुई है। पहले गियरों वाला ट्रक चलाते थे, गियर वाला ट्रक होता था, मेरा पक्का जो हाथ था गियर के लीवर के ऊपर रहता था। अभी जब से मैनुअल गए, अभी ऑटोमेटिक आ गए, तो ऑटोमेटिक में मेरा हाथ यहाँ पे रहता है, और अभी दोनों हाथ स्टीयरिंग में रखने पड़ रहे हैं क्योंकि स्टीयरिंग मेरे को घुमा कर रखना पड़ता है लेफ्ट साइड में, और मेरी बाइक और पीछे वाला ट्रेलर जो है वो जा रहे हैं राइट साइड को, हवा इस तरफ से आ रही है और धकेल रही है। ये भाई तो फ्लैशर लगे हुए हैं, लेकिन मेरे को नीचे रोड तो अभी ठीक लग रहा है यार। भाई ने फ्लैशर लगा दिया, मेरे ख्याल में लोड हल्का तो नहीं लग रहा, लोड तो काफी हैवी है, लेकिन इसके टायर देखो, अभी टायर बिल्कुल सूखे हुए हैं, अभी टायर इतने गीले नहीं है। मैं तो ग्रैनफिल तक जाने की कोशिश करूंगा, ग्रैनफिल जाके अगर वहां पे पार्किंग मिल जाती है तो वहां पे आराम से खड़े हो जाएंगे। मैंने तो हार के फ्लैशर ही लगा दिए क्योंकि बहुत ज्यादा धक्के लगने शुरू हो गए यार। ओए ये 110 वाला कहां घूम रहा है? अरे भाई क्या बात है यार, सिरा करा दिया भाई, सिरा करा दिया। ये होती है भाई हिम्मत, सही बात है भाई, ले गया भाई निकाल के। सिंगल टेंडर है तो सिंगल टेंडर को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन स्लो जमनी शुरू हो गई शीशे के ऊपर। आया भाई, एक कहावत है ना पंजाबी की, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, वो हाल हो गया अपना भी। तो हम कब तक बचेंगे स्टॉर्म से और इस विंटर के अजीबो गरीब वेदर से। तो आज अपना नंबर भी लग गया भाई, मेरा लगाया हुआ जो कैमरा सर के ऊपर कहीं ये ना गिर जाए, हिल रहा है, और ऊपर वाला भी अपने होने का एहसास दिलाता है ऐसे वाले वेदर में। भाई जो मेरे जैसा बंदा भूल जाता है ना ऊपर वाले को, वो फिर याद दिलाता है कि भाई नहीं, मैं हूँ, मैं ही हूँ बस जो इस दुनिया को चला सकता हूँ। यहाँ पे नीचे ना जीरो ट्रैक्शन, बिल्कुल जीरो ट्रैक्शन है। अगर मैंने थोड़ा सा भी भगा दिया ना, मेरा स्टेरिंग ऐसे है जैसे आपके हाथ में मलाई होती है ना, मक्खन होता है, मक्खन जैसा स्टेरिंग है। यहाँ सामने एक पेट्रोल पास का पंप है, पंप के ऊपर जाके देखते हैं पार्किंग कैसी है कैसी नहीं। जब वेदर खराब होता है ना तो पंपों के ऊपर जगह नहीं मिलती, अभी मालूम नहीं यहाँ पे जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं अभी दरवाजा खोलने लगा हूँ, तो दरवाजा खोलूंगा ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा प्रेशर कितना है हवा का। ये मेरा हाथ है, ये छोड़ा, मैंने तो लगा दिए, ट्रक अपना कर दिया पार्क। पंप के अंदर पाइप के लिए कोई जगह नहीं है, सारी जगह सिंगल टेलर के लिए, और बाहर लिखा हुआ है नो पार्किंग। देखा हवा ज्यादा हो गई यार, तो ट्रक को लगाते हैं ऑटो स्टार्ट के ऊपर, जो सबसे पहला अपना काम होता है ठंड में। नो पार्किंग का बोर्ड लगा देखा, लेकिन क्या करें भाई, अंदर पाइक के लिए जगह नहीं, कहाँ खड़ी करेंगे, कोई आएगा तो देखा जाएगा। बंदे अभी भी गलती कर रहे हैं, वो देखो मेरे पीछे ट्रक जा रहा है,
रजैना की तरफ। अभी आप लोग बोलोगे मालूम नहीं क्यों भाई आज क्यों खड़ा हो गया, कि भाई तो रुकता नहीं होता, भाई तो चलता जाता है राम राम से, चलता जाता है ऊपर वाले का नाम लेके। 511 सस्केचेवन रोड कंडीशंस, मैंने पहले भी बहुत बार वीडियो में जिक्र किया है ना, तो ये लो रजैना से जो भी रोड निकलते हैं हर तरफ को बंद कर दिए गए हैं। अगर 511 रोड कंडीशन के ऊपर आपके रेड लाइन किसी रोड के ऊपर है तो उसके बावजूद आप उस रोड के ऊपर ट्रेवल कर रहे हो तो आपकी इंश्योरेंस आपको कभी नहीं कवर करेगी। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस आनी भी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, उसका सारा खर्चा आपके ऊपर जाएगा, आपको इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी भाई। अगर 511 पे रेड लाइन है इट मीन्स कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है कि हाँ भाई ये रोड अभी बहुत ज्यादा स्टॉर्म के अंडर है तो नहीं जाओ। एक दूसरी बात जो लास्ट टाइम मैंने स्टॉर्म में आपसे शेयर की थी, अभी देखो यहाँ पे खड़े हैं ना मेरे को कितनी बातें आ रही हैं, लेकिन जब मैं रोड के ऊपर जा रहा होता तो मेरी बातें कुछ और होती। बाबा जी भला करना, बाबा जी एक बार बचा लो, है ना, जो अभी ट्रक यहाँ से निकल के वहां गया ना वो ट्रक अभी वापस आ रहा है, वो देखो सामने से दो एग्जिट है ना ग्रैंड फिल के देखा, नोट करो नोट करो, ट्रक ऐसा ऐसा डांस कर रहा है। आई एम ए डिस्को डांसर, अभी मेरे को बातें आ रही है। अच्छी तरीके से पार्किंग मिल गई, स्पॉट अच्छा मिल गया, रोड के ऊपर होता ना तो मेरी हवा टायर्ड होती। अभी खोलते हैं यादू की गठरी, सीख ली पुत्रा ड्राइवरी, माड़े तेरे कर्म ओ रोटी खानी कदे कदे, ते सोना अगले जन्म। किसने बोला था भाई कि सोना अगले जन्म, भाई इतना सोने के लिए मिल रहा है, देखो शाम के 7 बजे तो गारंटी वाली बात है 90% चांस है कि कल सुबह 9-10 बजे से पहले ये रोड ओपन नहीं होगा मेरे ख्याल में। आवाज आ रही है, सुनो, जब कानों में ऐसी आवाज आती है ना डर बहुत लगता है। देखो बार का हाल, देखो 1 घंटा हो गया अपने को रुके हुए, सामने से देखो कैसे हवा कितनी तेज आ रही है, अपना शीशा पूरा स्नो से कवर हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, लेट्स गो बाहर जाके देखते हैं। 511 वालों ने तो ओपन कर दिया रोड, लेकिन रोड के ऊपर उतनी ट्रैफिक दिख नहीं रही, तो बाहर का माहौल एक बार अपने ट्रेलर चेक कर लेते हैं। सफर बहुत लंबा है, एडमिंटन जाना है, जाके ये वाली बाइक वहां पे तोड़ के फिर आगे बाइक बना के नई बाइक लेके एडमिंटन जाना है। मैं अभी हवा का जोर उतना नहीं है, हवा कम हो गई। बस टायर देखने होते हैं कि टायर सारे घूम रहे हैं नहीं घूम रहे, ये बहुत जरूरी चीज है। रोड की हालत काफी सही हो गई है, ये देखो मेरे को एक बाइक ओवरटेक करके जा रही है और मैं भी 90 के ऊपर चला गया। ये अंधेरा अंधेरा सा कैसा है भाई, ये स्नो है उड़ उड़ के रोड के ऊपर आ रही है। जैसे जैसे रजैना वाली साइड जा रहे हैं ना वेदर की हालत जो खराब होती जा रही है। मैनिटोबा में भी कितने दिनों से बुरा हाल है, लगभग 6-7 दिन हो गए, डेली कहीं ना कहीं पे स्लिपरी हो ही जाती है। भाई यहाँ से रोड होता है शुरू खराब, ये देखो ये आ गए हम इंडियन हेड में, और इंडियन हेड में काफी स्लिपरी है, बाबा जी भला करें। और ये हमारा कोई भाई जो जिसका ट्रक नीचे चला गया है, ऊपर वाला करे सही सलामत हो, चलो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ लेकिन जैकनाइफ हुआ है। यहाँ से सीधा जा रहा होगा और देखो कैसा उसका जो मुंह है पीछे की तरफ हो गया था, बहुत बुरा हाल हो गया यार, मैं फिर फंस गया। ये भाई का ट्रक नीचे गिर गया यार, प्रेशर लगे हुए हैं, बाबा जी भला करना, अपना भाई सेफ हो यार, बाकी कोई चक्कर नहीं है। नीचे रोड का बुरा हाल है, नीचे पूरा रोड अभी जम गया, पीछे इंडियन हेड तक रोड बिल्कुल सही था, 30 की स्पीड के ऊपर आ गया हूँ क्योंकि मेरे ट्रक के नीचे ग्रिप नहीं है भाई। मैंने फिर आज इंडियन हेड वाला इंटरसेक्शन क्रॉस कर दिया रजैना की तरफ, क्योंकि वहां पे बिल्कुल सही था लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है। ये एक इंसान ने क्या किया है, रोड के ऊपर ही सो गया है लगा के मेरे ख्याल में। इसकी निशानी क्या है, इसके टायर देखो नीचे से स्नो कटी हुई है ना, ये काफी टाइम का खड़ा है यहाँ भी और बैठा हुआ है बीच में, लेकिन देखो इस बंदे की कितनी बड़ी गलती है कि थोड़ा सा आगे करके यार यहाँ पे खड़ा कर ले, क्यों तेरा प्लान है मरने का।
भाई खतरनाक काम है यार, ये मेरे से भी ज्यादा डरा हुआ है लगता है। मैं तो 50 पे जा ही रहा हूँ, ये भाई 50 से भी स्लो जा रहा है, लेकिन सही जा रहा है यार, सेफ्टी में सेफ्टी है। ओहो ये अमेरिका वाला भाई है, ओकलाहामा, ओकलाहामा वाला भाई है, नहीं ट्रेलर ओकलाहामा का है भाई, और ट्राइटर तो मैनिटोबा का ही है। सही है भाई, तू सही जा रहा है, कोई गलती नहीं है इसमें, जितना ही ज्यादा आहिस्ते चलेंगे उतना ही फायदा है। मेरी 50 के स्पीड के ऊपर अच्छा चल रहा है, तो मैंने सोचा चलो आराम आराम से इसको ओवरटेक करके आगे निकल जाते हैं। यार ऐसा ही हिसाब रहा तो ट्रिप लगाएंगे कितने दिनों में, मेरे को तो ये समझ नहीं लग रही यार। आधा घंटा पहले पहुंचोगे तो भी कोई बंदा मेडल नहीं डालेगा, आधा घंटा लेट पहुंचोगे तो भी कोई बंदा मेडल नहीं डालेगा। ये गेम मेडल की नहीं है भाई, कि हाँ भाई वाह वाह होगी, मैं पहुंच गया, मैं पहले पहुंच गया, मैंने लोड लगा दिया, भाई कहीं गलती होगी ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, क्या मालूम किस मोड पे क्या हो जाए। दो ट्रक है, एक ट्रक उसके पीछे जाके लग गया, वाला जो लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट में प्रॉब्लम होगी, अभी ग्रीन लाइट होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, इंटरेक्शन लगा देता हूं, अगर यहां से लेफ्ट हो गया तो हो गया। बाबा जी बड़ा करना, बड़ा करना, बड़ा करना, हो गया, हो गया भाई, बात बन गई, बात बन गई, अरे भाई बात बन गई। ये हरे ट्रक वाला गलती कर रहा है मेरे नीचे आके, इससे सब्र नहीं हो रहा बंदे से, लेकिन इसकी गलती है भाई, ना कर ऐसा, ना कर ऐसा। पीछे से मेरी बाइक जो है वो लेफ्ट राइट साइड को एंगल बना हुआ है, ये देखो मेरा स्टीयरिंग भी कट किया हुआ है ना, लेकिन अगर यहाँ पे निकल गया नीचे से तो ऐसे चुटकियों में जकना ही हो जाएगा ट्रक जहाँ पे। पार्किंग का हाल देखो, यहाँ से कन्वर्टर कैसे उठाएंगे, लेकिन अपने पास तो कन्वर्टर है, ये देखो पीछे डाला हुआ है, ये क्या हाल हो गया, यहाँ पे ट्रेलर कहाँ पे हुक करेंगे, फिफ्थ व्हील देखो इनके, फिफ्थ व्हील के ऊपर देखो कैसे, भाई क्या भाव से बेच रहे हो, सुनो इसका तो बहुत ज्यादा ही बुरा हाल है। ओहो ट्रेलर हमने ड्रॉप कर लिया ऊपर वाले की कृपा से, अभी यहाँ से ट्रेलर हुक करके एडमिंटन जाना है, फ्यूल अप के लिए ट्रक लगाया हुआ है, यहाँ पे फ्यूल अप करेंगे, जल्दी से निकलते हैं क्योंकि 12 तो ऑलरेडी बज चुके हैं, मेरे ख्याल में रात को फिर से रोड बंद हो जाएगा। इस वीडियो को इतना रख लेते हैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते, अगर कोई भी पार्ट अच्छा लगा यार वही अपना सेम प्रोसेस होता है, ये बात रिपीट करनी होती है क्योंकि ये मेरा फर्ज बनता है कि लाइक करना, जो चैनल के ऊपर नए आए हो सब्सक्राइब कर लो, मिलते रहेंगे ऐसी 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 वीडियो में, टिल देन अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, रब रखा भाई रब रखा। ये लो आज कैब डालनी पड़ी क्योंकि कानों की बस हो गई, इतना में काम करता है अपना भाई, ये अभी अपने को फ्यूल अप करके देगा, ये देखो इसकी हालत देखो, टायर भी बड़ी है। मनी भाई कैसा चल रहा है? हम भी सो गए हैं भाई रास्ते में, बुरा हाल है। When I know, I'll know. Hand in hand like left, right, left, right, oh.